और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, इलाहाबाद में जो रिटायर्ड दरोगा की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, इस मामले में पहली गिरफ्तारी अब हुई है। आरोपी यूनुस की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद की बीच सड़क पर लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आज सुबह 11 बजे ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया था और तब जाकर ये कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से की गई है, पहली गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। आरोपी यूनुस की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मुख्य आरोपी इस मामले का जुनैद उर्फ जुन्नू, जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज में इस बुजुर्ग दरोगा को लाठी से पीटता हुआ, इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। यूनुस नाम का एक आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि देखिए बाद में किस तरीके से दो और लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं और लाठी बरसाना इस बुजुर्ग दरोगा पर शुरू कर देते हैं। बुजुर्ग दरोगा बिल्कुल बेबस होकर वहीं सड़क पर बैठ जाता है। लोग इतने डरे हुए कि इसके बाद बुजुर्ग दरोगा को अस्पताल ले जाने में भी काफी वक्त लगा। अस्पताल ले जाया गया जब तक बुजुर्ग दरोगा को, तब तक बहुत देर हो गई थी। शाम में बुजुर्ग दरोगा की अस्पताल में मौत हो गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।